हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी, जिसका चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 में जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो 199 में PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर नंबर 4 से। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देना है और इसके स्कोप के बारे में बताना है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल हमने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में लिखा है और इसके स्कोप को बहुत ईजिली लिखा हुआ है, मतलब आप शॉर्ट रूप में इसको पढ़ सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्ज़ाम के अंदर, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी, मतलब एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, इसको डिटेल में पूरा डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप एपिडेमियोलॉजी को लिखेंगे कि दोस्तों, एपी मीन्स अमंग, डिमोस मीन्स पीपल, लॉगोस मीन्स स्टडी। ये डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी होती है, जिसमें किसी डिसीज़ की फ्रेक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स की स्टडी की जाती है, और इसमें डिसीज़ के सोर्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की भी स्टडी की जाती है, कि किसी भी, मतलब कोई भी पॉपुलेशन है, उसमें डिसीज़ कितनी फ्रिक्वेंसी से फैल रही है, कितने लोगों को कोई डिसीज़ हो रही है। तो इन सब बातों की मतलब स्टडी करना, और किस माध्यम से डिसीज़ फैल रही है, तो इसको कहा जाता है एपिडेमियोलॉजी, ये सब स्टडी करना। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है एपिडेमियोलॉजी का, यानी डिसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन और साइज़ का पता लगाना, कि डिसीज़ कितना फैल रही है, डिसीज़ के क्या कारण है फैलने के, और अगर किसी एरिया में कोई डिसीज़ फैली हुई है तो उसको कवर करने के लिए प्लानिंग करना और जल्द से जल्द उस डिसीज़ को कम करना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एपिडेमियोलॉजी की। यही इसके ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी, बिल्कुल सेम है आपके, एपिडेमियोलॉजी भी आपकी मतलब यानी एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। फिर दोस्तों, ये आपका मतलब अगर शॉर्ट में पूछेगा तब आप एक पेज का लगभग आधा पेज का डिफाइन कर देंगे, अच्छे से उसको बता देंगे। फिर शॉर्ट नोट पूछ लेता है, मतलब ये डेफिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, तो दोस्तों इनको ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि देखिए, एपिडेमिक के बारे में पूछ लेता है कि डिफाइन शॉर्ट नोट ऑन एपिडेमिक, आउटब्रेक क्या होता है, तो आउटब्रेक को भी हमने डिफाइन किया है। साथ में पूछता है पेंडेमिक क्या होता है, और उसके बाद पेंडेमिक आपको डिफाइन करना होता है। एंडेमिक के बारे में पूछ लेता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, क्वारंटीन क्या होता है, आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो दोस्तों, ये आपकी डेफिनेशन है, तो दोस्तों इनको आपको पढ़ लेना है। डेफिनेशन आपकी एक एक नंबर में पूछेगा, तो तीन डेफिनेशन पूछ लेता है शॉर्ट गेम में, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, पहले पूछ लेगा आइसोलेशन, पेंडेमिक, एंडेमिक, तो डिफाइन मतलब डेफिनेशन। तो एक एक नंबर में आप डिफाइन करेंगे पांच पांच लाइन, तो आपका लगभग आधे से ज़्यादा पेज भर जाएगा। उसके बाद शॉर्ट पूरा जो है आप डिफाइन कर देंगे। साथ में कुछ डेफिनेशन है, जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या होता है, जैसे आपने कोरोना में देखा भी होगा। और उसके बाद मॉर्बिडिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछ लेता है। फिर बात करते हैं आपका चैप्टर नंबर जो 4 है, उसमें कुछ डिसीजेज के बारे में पूछा गया है, कि कौन कौन सी डिसीजेज मतलब आपको डिफाइन करनी है। तो डिसीजेज आपकी बहुत ज़्यादा दी गई हैं, अगर इतनी ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कॉजिटिव एजेंट भी भूल जाएंगे, और मतलब डिसीजेज के बारे में भी नॉलेज जो होगी भाई थोड़ी बहुत मतलब इधर उधर हो जाएगी। तो इसीलिए हमने कुछ सफिशेंट डिसीज़ को रखा, इतनी डिसीज़ को अगर आप पढ़ लेंगे तो दोस्तों एग्ज़ाम में आने के इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे चिकन पॉक्स के बारे में दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना है, चिकन पॉक्स की एपिडेमियोलॉजी और जो भी उनका मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, रोल ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में आप पढ़ लेंगे चिकन पॉक्स। दूसरा आप पढ़ेंगे वायरल इन्फेक्शन सार्स कोव टू, मतलब कोरोना वायरस के बारे में, COVID-19 के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेना है, इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बूपिंग कफ हो गया, मतलब काली खांसी, मतलब सूखी खांसी जो होती है, तो दोस्तों उसके बारे में पढ़ लेना है। साथ में आपको ट्यूबरक्लोसिस वाला टॉपिक मतलब डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा डिसीजेज दी गई हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ना तो होगा ही, मतलब क्योंकि अगर हम एक दो डिसीज़ बता देंगे, अगर आपके एग्ज़ाम में नहीं फंसेंगी तो आप लोग बोलेंगे कुछ नहीं फंसा। तो इतना पढ़िए, मतलब सफिशेंट पढ़िए, जिससे आपका एग्ज़ाम क्रॉस हो जाए। इबोला वायरस के बारे में आपको पढ़ लेना है, साथ में जो आपका कोलेरा होता है मतलब हैजा के बारे में पढ़ लेना, ये भी आपकी मतलब कॉमन डिसीज़ होती है, तो ये भी आपकी एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेता है। टाइफाइड हो गया, टाइफाइड के बारे में एक बार देख लेना है। HIV मतलब एड्स के बारे में पढ़ लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लेप्रोसी,
जिसको हैंसन डिसीज कहा जाता है, तो लेप्रोसी के बारे में पढ़ना है और साथ में आपको डेंगू के बारे में पढ़ना है कि डेंगू क्या होता है, फुल डिटेल में आपको पढ़ना है, और मलेरिया पढ़ना है। तो दोस्तों इतनी डिसीज़ को पढ़ लेंगे, जैसे फाइलेरियासिस के बारे में भी पढ़ लेना है। यह एक क्रोनिक डिसीज़ होती है जो कि मॉस्किटो बोर्न पैरासाइट इन्फेक्शन होता है। इसका जो पैरासाइट होता है वह थ्रेड लाइक होता है और स्किन में छेद करके बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। तो दोस्तों इसका जो पैरासाइट होता है बॉडी के अंदर छेद कर देता है स्किन पर, मतलब गड्ढे से हो जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेना है। तो आपका मतलब चैप्टर नंबर 4 है, जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था तो दोस्तों उसको हमने कंप्लीट करा दिया। ये आपकी 20 पेज की जो है पीडीएफ है। अगर दोस्तों आप इसका फुल पीडीएफ पढ़ेंगे तो लगभग 45 से 50 पेज का पीडीएफ है, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, और मतलब 20 पेज की पीडीएफ है तो इसमें आपका कम टाइम लगेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना।